कभी कभी हम जीवन में सोचते हैं वो व्यक्ति जो धर्म के पथ पर चलता है यदि उससे कोई भूल हो जाती है तो नियति तुरंत ही उसे कठोर दंड दे देती है। परंतु वो लोग जो संसार के बड़े से बड़े अधर्मी हैं, बुरे से बुरे कर्म करते हैं, उन्हें नियति अनेक अवसर देती है, उन पर नियति इतना कठोर प्रहार नहीं करती। ये सोच आती है कभी ना कभी मन। अब सोचिए ऐसा क्यों है? देखिए, जीवन को अधिकतर लोग एक ही पहलू से देखते हैं, हर पहलू से देखना चाहिए। मुझे बताइए, क्या संसार में कोई भी अधर्मी प्रेरणा स्रोत बन सकता है? कदापि। जो व्यक्ति स्वयं की ही आत्मा को मलिन कर देता है वो संसार को प्रेरणा क्या देगा? वो स्वयं ही समझ नहीं पाता उचित क्या है, धर्म क्या है। तो नियति उसे एक अवसर देती है, अवसर देती है समझने का उचित क्या है, धर्म क्या है, अवसर देती है विवेक जगाने का, अवसर देती है अपनी अंतरात्मा की पुकार सुनने का। जब ये भी नहीं होता तो नियति के पास एक अंतिम विकल्प पेश रह जाता है और वो है महाविनाश। महाविनाश जो भले ही देरी से आए किंतु आता अवश्य है, और जब महाविनाश आता है तब महाविनाश की पीड़ा समस्त मनुष्य जीवन की पीड़ा से कहीं अधिक होती है। ये बात सदैव स्मरण रखिए। और दूसरा व्यक्ति जो धर्म के पथ पर चल रहा होता है उससे यदि कोई भूल हो जाती है तो नियति उसकी परीक्षा लेती है। उस समय मनुष्य को लगता है कि नियति ने उसे कठोर दंड दिया, पर समय के साथ हम सभी देखते हैं जब वो व्यक्ति उस परीक्षा में उत्तीर्ण हो जाता है उस समस्त संसार के लिए प्रेरणा स्रोत बन जाता है। अर्थात नियति हर एक व्यक्ति को उसके कर्म का उचित फल देती है, उचित दंड भी देती है। अंतर है तो बस समय और आपकी सोच का। तो धर्म के पथ पर चलिए और मेरे साथ प्रेम से कहिए राधे राधे।